रुपया बरातियन को भोजन करायो जा रियो। अब एक लड़की बोली जिज्जी कछु गाय ले, बोले का गयो का गा जावे गारी। और आजकल गाली कैसी गाई जावे, आज की गाली को कोई अर्थ ना है। सारे समदी तेज ऐसे लल्ला में घूरे पे पड़े। अब न्यो बतावे खड़े है कि न्यो कह दें मैं लल्ला से लल्ला तुम्हारे घूरे पे पड़े तुम्हारे लल्ला के रिश्ता करने को काहे को पहुंचे, बताओ कहा जवाब आवेगा। लेकिन प्यारे पहले की बड़ी प्यारी गाली थी, सुनिएगा। तुमसे नित आवे मेहमान, पहले की गाली सुनिएगा। तुमसे नित आवे मेहमान हमारी घरी हरी हरी हमारी घर विद्या की धनी। तुमसे नित आवे मेहमान इस गाली के भी दो अर्थ हैं। तुमसे नित आवे मेहमान का अनोखे है, तुम्हारे जैसे जन कितने आज जाते मेरे घर। और दूसरा अर्थ है तुम जैसे ऋषि विद्वान महातपस्वी मेरे घर आते जाते रहे प्रभु तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। यही भाव है उन लड़कियों का, सुनिएगा प्यारे। तुमसे नित आवी मेहमान हमारी हरी 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 हमारी घर विद्या की धनी। तुमसे नित आवी मेहमान कछु नहीं हमपे हमें खाली आत ए लेन देन को कछु नहीं हमपे हमें खाली आत। आज हमारी राशिता की लाज तुम्हारी हाथ। सेवा तो हमपे हरे हरे सेवा तो हमपे कछु न भई। तुमसे नित आवी बोलो। और जब तक बरातिया एक नहीं बोले तब तक इन्हें चैन। ये सोचती है बोल काहे ना रहो, एक तो बोले। एक लड़की बोली जीजी जी तो एक नहीं बोले, दूसरी बोली तो अकल होए बुलवाने की तब तक बोले, तीसरी बोली तू बड़ी अकल भाई बुलवाए बोले बुलवाए बोले हाँ बोले सुन। और लड़की गाली गाय की बोली कि हम गाली गावत हैं सुनो जी तुम राम बरना। हम गाली गावत हैं, ताली बजा कर बोलिए बोली। अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फारे, तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े। बोले कैसे, और क्वारे पल में फूल सूख के ना सके तू जने डारे। लगो है परी कोई परी ना हम गाली गावत हैं सुनो जी तुम राम बरना। हम गाली गावत हैं और बोली अरे गाली मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना। अरे गाली मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना। और सतरंगी ऋष को दान में दे दई प्यारी संता बहना। सुमित्रा सिंह बिटिया और भाई थी जिसका नाम था शांता। महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे रोमपाद जी, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो दशरथ ने अपनी बिटिया शांता रोमपाद को गोद दे दी।
रोगपात किया, सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया। तो कुछ विद्वानों ने बताया कि राजा रोगपात के पास में जो बिटिया है शांता, अगर उस शांता को रोगपाद श्रृंगी विवंडक मुनि के पुत्र हैं, विवंडक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी, अगर वो श्रृंगी के लिए बेटी शांता दे दे तो राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। तो रोगपाद ने दशरथ की जो बिटिया गोद ली थी शांता, वो श्रृंगी को दे दी। अरे गाली मत जाना तुम जाको सही हमारो कहना, इसको दान में दे दे प्यारी संता बहना, ए भयो कोई भयो है सो प्यारो परिणाम, गाली का बचे सुनो जी तुम राम वरना। और बोली एक अचंभो हमने देखो नई अवध में चलना, क्या और खीर खाई के इनकी माने जनते चारो लल्ला, तुम्हारी अब कोई सलना हम गाली गावते सुनो जी पैदा होते। राम जी के लगे लाला चुपचाप बैठो रे ससुराल है, ये गाली देनी है देने दो। एक लड़की बोली जीजी बोले हाँ हमें दे लग रही थोड़ो थोड़ो करंट काम कर रहो। दोबारा से यही बात कह रहे, दोबारा से लड़की ने कही हाँ बहना अबधपुरी में लल्ला पैदा। भरत जी बोले भैया अब रुको हम पे ना जाए रो। राम जी बोले चुपचाप बैठो। तीसरी बार लड़की ने भय बात फिर कही। लक्ष्मण बोले अब वो पे नहीं रुको जा रो। राम जी बोले नहीं रुको जा रो तो कहले का कहे कहले। तो लक्ष्मण बोले ए कहा कही तुम्हारी ये जनकपुरी ज्यादा अच्छी है कहा। लड़कियां बोली हंस के काय मेरी जनकपुरी में कहा कभी है। तो बोले सुनो बिना जोर कर होती और ना शोर कर होती जनकपुरी में मिटिया धरती फोड़ती होती। जनकपुरी में बिटिया धरती फोर के होती। एक लड़की बोली जीजी छोटो वालों ज्यादा ही नटखट लग रहे हो, देख कैसे तीर मार रहे हो। प्यारे बरात जब चली सभी सखियां राम जी के सामने आकर रोई मुझे भी वक्त दीजिए। राम जी कहने लगे क्षमा करना, जो दृष्टि मैं सीता के ऊपर डाल सकता हूँ वो दृष्टि तुम सभी